नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कुछ ही दिनों बाद क्रिसमस है और इस दिन वेटिकन सिटी के चर्च में ईसाई धर्म के लाखों लोग पहुंचेंगे। वेटिकन सिटी में ईसाइयों को पोप का निवास है। 1929 में इटली ने रोमन कैथोलिक चर्च के साथ एक समझौता किया था। इसके बाद संत पीटर के चर्च के आसपास लगभग 109 एकड़ की जमीन दे दी। तब से इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लिया गया। यहाँ जानिए वेटिकन सिटी से जुड़ी कुछ खास बातें। वेटिकन सिटी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इस देश के अपने सिक्के, अपना डाक विभाग, रेडियो आदि हैं। इस केंद्र से पोप दुनिया भर में फैले रोमन कैथोलिक चर्च का संचालन करते हैं। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के पास स्थित दुनिया का सबसे छोटा देश है। दुनिया के सबसे छोटे देश की कुल आबादी लगभग 1000 है। वेटिकन सिटी 1929 में बना। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसे पूरी तरह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत शामिल किया गया है। वेटिकन सिटी में एक विशाल म्यूजियम है। इस म्यूजियम में बड़ी संख्या में पेंटिंग्स लगाई गई हैं। अगर हर एक पेंटिंग को एक से एक मिनट देखा जाए तो सभी पेंटिंग्स को देखने में करीब 4 साल का समय लग जाएगा। ईसाई धर्म के प्रमुख रोमन कैथोलिक चर्च का यही मुख्य केंद्र है और इस धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का यहाँ निवास है। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर गिरजाघर, वेटिकन प्रसाद समूह, वेटिकन बाग और अन्य चर्च भी हैं। 1932 में यहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। वेटिकन सिटी की अलग मुद्रा है और यहाँ की मुद्रा इटली में भी चलती है। वेटिकन सिटी की राजभाषा है लातिनी। ये देश रोम शहर के पास टाइबर नदी के किनारे और वेटिकन पहाड़ी पर स्थित है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से दुनिया भर में प्रसिद्ध है।